सा फॉल्ट है और उसको कैसे सही करेंगे, ठीक ना। तो चलिए फॉल्ट नंबर एक पे आते हैं। फॉल्ट क्या होता है, सबसे पहला अगर फॉल्ट ऐसा होता है कि कंप्रेसर ही नहीं चल रहा है ना, यानी कि फॉल्ट क्या है कि आपका जो इंडोर है उसका ब्लोअर चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है और कूलिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको उपाय करना होगा अपना रिले चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिले जो हम बताए थे, रिले में दो पॉइंटें होती है, एक होती है चार और एक होती है तीन, है ना। चार में इनपुट करते हैं, तीन से आउटपुट करते हैं, तो हम क्या करेंगे रिले को चेक करेंगे। और रिले को चेक करने का बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका होता है, एक पे फेज देते हैं और दूसरे पे क्या करते हैं फेज को हम चेक करते हैं आउटपुट कर रहा है कि नहीं। यदि आउटपुट कर रहा है तो आपका रिले ठीक है, अगर आउटपुट नहीं करा तो रिले क्या है खराब है, इसको आप एक्सचेंज करेंगे। अथवा एक और उपाय होता है, आप इन दोनों के बीच में एक वायर लेकर शॉर्ट करा देंगे, अगर कंप्रेसर चल जाए तो रिले क्या है खराब है, ठीक ना। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिले को बदलना पड़ेगा। और जो आपका स्प्लिटर भी होता है उसमें जो रिले होता है वो सोल्डरिंग के थ्रू लगाया गया होता है, तो आप उसको सोल्डर के थ्रू ही बदल सकते हैं, ठीक। तो इस चीज को आप देखेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कंप्रेसर ना चलने में रिले, ठीक ना। तो आप पीसीबी में लगा रिले को चेक करेंगे। इसके बाद कनेक्टर से जो वायर लगा होता है उसका कनेक्शन चेक करेंगे, टाइट कनेक्टर कनेक्टर पे जो वायर है वो सही लगा है कि नहीं, ठीक ना। इसके बाद से नीचे आएंगे तो आप चेक करेंगे जो कंप्रेसर है उसका कैपेसिटर, ठीक ना, यानी कि कैपेसिटर जो है उसकी वायरिंग जो है आपने सही किया है कि नहीं, कहीं कैपेसिटर खराब तो नहीं हो गया है। कैपेसिटर की क्षमता चेक करने के लिए कैपेसिटर को चार्ज करके उसको स्टार्टिंग करा के चेक कर लीजिए, स्पार्किंग सही करता है तो क्या है वो भी सही है, ठीक ना। इसके बाद लास्ट, अगर इतना करने के बाद भी आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो मतलब क्या है, साफ और सीधा है कि कंप्रेसर खराब होगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसे डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक करिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए, उसके नॉर्मल सा उपाय होता है, कॉमन को हम फेज देते हैं और करते क्या है, स्टार्ट बर्निंग को जो आपका रन होता है उसको न्यूट्रल देते हैं और स्टार्ट को रन पे स्टार्ट कराकर हटा लेते हैं, कंप्रेसर चल जाए तो आपका कंप्रेसर सही है, ठीक ना। तो प्रॉब्लम इधर हो सकती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, पहला रिले, दूसरा कनेक्टर वायर पूरा चेक कर लेंगे, वायर जितने भी आपने किए हैं, बाद अगला जो होगा आप कैपेसिटर चेक करेंगे, लास्ट में कंप्रेसर को चेक करेंगे, यदि कंप्रेसर खराब है तो लास्ट में बदल देगा, ठीक ना। तो पहला फॉल्ट इस तरीके से आप दूर करेंगे। दूसरा फॉल्ट में क्या है कि आपका ब्लोअर मोटर नहीं चलता है, ठीक ना, यानी कि जो आपका इंडोर है, इंडोर में जो आपका ब्लोअर लगा हुआ वो चलता नहीं है, तो क्या हो सकता है इसके लिए प्रॉब्लम दो आ सकती हैं। देखिए सबसे पहला जो होगा ब्लोअर का कनेक्टर चेक करें, जो कनेक्टर लगाया जाता है पीसीबी के अंदर उस क्लिप को चेक करेंगे, डीसी वायर को चेक करेंगे, जो आप डीसी का वायर लगाते हैं ना कनेक्टर में, यानी कि पीसीबी में आपका जो एक पीसीबी में लगता है तीन वायर, हाई लो मीडियम के लिए, और एक लगता है डीसी में जो आपका डिस्प्ले बोर्ड होता है उसके अंदर तीन वायर लगाया जाता है ना, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप चेक करेंगे इसमें आ रहा सप्लाई की नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे टेस्टर लेंगे और तीनों पिनों पे आने वाली सप्लाई को चेक करेंगे, यदि सप्लाई आ रही है तो आप वायर को चेक कर लेंगे, वायर सही है तो आपका सही होगा। लास्ट मोटर को चेक करेंगे, तो मोटर को चेक करने का नॉर्मल सा उपाय उसमें भी है, कॉमन को फेस देंगे, ठीक ना, जो उसमें रन होगा उसको न्यूट्रल देंगे और रन स्टार्ट वाले को रन वाले में सटा देने की न्यूट्रल देकर कुछ देर हटा लेंगे और चल जाए तो समझ लीजिए कि आपका ये फैन सही है, ठीक ना। प्रॉब्लम आपके पीसीबी में हो सकती है तो उसको डिटेक्ट करेंगे और क्या करेंगे उसका निवारण करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गई, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम। दूसरा नेक्स्ट फॉल्ट नंबर तीन देखिए। फॉल्ट नंबर तीन में क्या है कि आपका जो आउटडोर है उसका कंप्रेसर तो चलता है लेकिन फैन मोटर नहीं चल रहा है, यानी कंडेंसर जो फैन है वो नहीं चल रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो सबसे पहला आप काम करिए फैन को मिलने वाली सप्लाई चेक करिए, यानी कि जो उसमें फैन लगा उसको सप्लाई प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। इसके अलावा जो दूसरा उपाय करना क्या, आपको कैपेसिटर चेक करना है, यानी कि जो फैन के कैपेसिटर है उसको सप्लाई सही से मिल रही है कि नहीं, तो इस चीज़ को भी क्या करेंगे आप चेक करेंगे। तो दिखाते ना फैन कैपेसिटर जिसको हम FC बोल रहे थे, यानी फैन कैपेसिटर, उसको भी चेक करें। उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, चार्ज एंड शॉर्ट, यानी कि चार्ज करके शॉर्ट करा के चेक करिए स्पार्किंग सही है तो वो क्या है आपका बिल्कुल सही है, अथवा दूसरा कैपेसिटर लगा के भी आप उसको चेक कर सकते हैं। लास्ट आप उसे डायरेक्ट स्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए उसमें पांच वायर होते हैं, तो तीन जो कॉमन हो गए आप कौन सा, ऑरेंज ब्लू और ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन और उसके बाद से आपका एक होता है येलो, है ना, तीन तरह के तार को आपस में लेके और उसको फेज दे देंगे, क्योंकि कॉमन हो गया ना तीनों को फेज देंगे और ब्लू को न्यूट्रल, रन वाले को न्यूट्रल सटा कर हटा लेंगे, अगर चल जाए तो आपका फैन सही है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, उसकी वायर में और कैपेसिटर में, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम
नहीं है, क्योंकि उसमें दो चीजें होती है ना, तो ये हो सकता है अगर फैन नहीं चलता है तो उसको आप चेंज करिए या उसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए अब क्या है, एसी तो चलती है, ये सबसे बड़ी फॉल्ट आ सकता है, बहुत बार आता भी है, जैसे साल भर रखे एसी को जब चलाना हुआ, जब सीजन आया एसी का तो क्या होता है, कूलिंग ही नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, कंप्रेसर चल रहा है, ब्लोअर भी चल रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है, तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, ये प्रॉब्लम में हो सकता है। देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला उपाय उसमें चार्ज के गैस को चेक करें, गैस है कि नहीं। अक्सर होता क्या है, कहीं से ढीला हो जाता है तो रखे रखे जो उसकी गैस होती है वो लीक कर जाती है ना, तो पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि गैस लीक कर गई होगी। दूसरा प्रॉब्लम होगा कि वहाँ का जो अंदर का कंप्रेसर है आउटडोर में वो चल नहीं रहा होगा, कंप्रेसर में कोई खराबी हो सकती है। तो पहला प्रॉब्लम जो सबसे अधिक आती है इस मतलब मौसम चेंज होने के बाद स्प्लिट में, बाई चांस अगर गैस निकल गया है तो आप गैस को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और गैस चार्ज करने के लिए विधि बता रखिए, सबसे पहले सिस्टम को वैक्यूम एंड नेक्स्ट गैस चार्जिंग। ठीक ना, अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो कोई और दूसरा उपाय नहीं है, केवल गैस चार्जिंग करना पड़ेगा। ठीक ना, लेकिन एक फॉल्ट और आता है इसमें कि एसी आधे घंटे ठंडा करता है, यानी कि आधे घंटे बहुत बढ़िया कूलिंग कर रहा है, आधे घंटे बाद कूलिंग जो होती है कम हो जाती है, और कूलिंग करना कुछ देर बाद बिल्कुल कम हो जाती है, कंप्रेसर से अलग प्रकार की आवाज आने लगती है ना, ये फॉल्ट कैसा है कि इस फॉल्ट में क्या हो रहा है, आपका एसी चल रहा है, आधे घंटे बेस्ट कूलिंग कर रहा है, आधे घंटे बाद कूलिंग कम हो जा रही है, कंप्रेसर से आवाजें अलग प्रकार की आने लग रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग की समस्या होती है। ठीक ना, यानी कि जब आपने गैस चार्ज किया था उस समय सिस्टम को आपने सही से वैक्यूम नहीं किया होगा, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जब आपकी गैस जा रही है तो शुरू में हवा है तो वो क्या हो रही है, आराम से कुछ राउंड घूम रही है, इससे आधे घंटे ठंडा कर रही है, लेकिन जब कूलिंग ज़्यादा हो रही है तो हवा के अंदर जो नमी होती है वो क्या हो रही है, संघनित होकर जल बन रही है, और जल जब ज़्यादा संघनित हो रही है तो वापस बन रही है बर्फ और लाइनों कर दे रही है ब्लॉक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपकी कूलिंग होना बंद, क्योंकि गैस जब ब्लॉक कर देगी तो गैस का आदान प्रदान रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका जो सिस्टम होगा वो सीज हो जाएगा, इसको कहते हैं क्या कर होना, सीज होना, और सीज होगा तो कूलिंग नहीं होने वाला। ठीक ना, इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में दोबारा गैस चार्ज करनी पड़ेगी और अच्छे तरीके से सिस्टम को वैक्यूम करना पड़ेगा। ठीक ना, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इस चीज को आप ध्यान में देंगे कि जो आपकी स्प्लिट एसी का जो पानी है वो बाहर जाने के बजाय कमरे में ही क्या हो रहा है, टपक रहा है। ठीक ना, तो इस स्थिति में करना क्या पड़ता है, आपको एसी की अपनी सर्विसिंग करानी पड़ती है, पहला काम सर्विसिंग कराना पड़ेगा। वजह क्या होता है कि जो ड्रेन वाल्व होता है उसमें कचरा फंस जाने की वजह से पानी साइड में नहीं जा पाता है। ठीक ना, और होता क्या है, पानी आपका जहाँ बनता है वहीं पर गिरने लगता है, कूलिंग वाल्व के साइड ही पानी बनेगा, और लास्ट साइड में जो होता है यहाँ से ड्रेन वाल्व होकर यहाँ पे आपका पानी जो गिरने का रास्ता होता है यहाँ पर होता है। अगर इस रास्ते में कुछ अटक जाए, जैसे कि कचरा चल जाता है, कचरा हो जाता है अथवा धूल कण जम जाते हैं, तो पानी जा नहीं पाता है, पानी वापस यहीं पर टपकने लगता है, तो कमरे में पानी क्या होता है, टपकता है। ठीक ना, तो पहला उपाय हमने बताया कि इसकी सर्विसिंग कराएं, यानी कि ड्रेन वाल्व की सफाई, सर्विसिंग पूरा मतलब केवल साफ ही करना होता है, सर्विसिंग और उसमें कुछ होता पूरी पूरी जो इंडोर यूनिट है उसकी सफाई करा देंगे, जिससे जो पानी होगा आपका वापिस पीछे गिरना चालू हो जाएगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा उपाय में होता ऐसा है कि एसी के इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जिसने एसी लगाया है एक उसके क्रिस्प होता है, थोड़ा सा हल्का सा जिधर पानी गिरा तो धुकाना होता है ना, तो अगर थोड़ा उसने किया क्या होगा, अगर इस साइड थोड़ा सा डाउन कर दिया होगा तो पानी इस साइड नहीं जा पा रहा हुआ है ना, मैंने स्पीड में बताया था इंडोर को लगाने के लिए थोड़ा सा हल्का झुकाना पड़ता है, वाटर लेवल को देखकर वाटर लेवल सेट करके थोड़ा सा हल्का सा क्या कर लेंगे इस साइड को डाउन, जिधर पानी आने वाला उधर डाउन, जो छत की जब लैया करा दे देखते हैं ना मिश्रो क्या जिधर पानी को ले जाना उधर डाउन करते हुए चले जाते हैं, तो यहाँ पे उतना डाउन नहीं करना, बस हल्का सा डाउन करना जिससे पता भी नहीं चले कि एसी आपकी डाउन है और हो भी जाए, तो वाटर लेवल से लेवल कर कर हम हल्का सा इतना सा डाउन करते हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका बस दो ही भाग हो सकता है इसमें, अगर पानी आप कमरे में टपकता है तब। ठीक, इसके अलावा फॉल्ट नंबर नेक्स्ट समझ लीजिए क्या है, आपका जो ब्लोअर है यानी कि इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर होता है, यानी कि जो कमरे की हवा को ठंडी करके आपके कमरे में भेजने का काम करता है, उसमें क्या है, उसमें तीन स्पीड होती है, हाई लो मीडियम, उसका क्या हो रहा है केवल हाई में चल रहा है अथवा केवल लो में चल रहा है, यानी कि स्पीडें जो है बदल नहीं पा रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें क्या होता है जो फैन का कनेक्टर होता है पीसीबी में
इसमें तीन कीले होती है ना जिसमें हम क्लिपिंग करते हैं, है ना। इसके साइड में लगे होते हैं इसलिए रेक्टिफायर भी, जो कि इस सप्लाई को यहाँ पर आउट करने का काम करते हैं। बाई चांस यदि ये खराब हो गए होंगे तो यहाँ पे सप्लाई आउट नहीं होगी, तो क्या होगा आपका जो फैन होके वाले किस्मत में चलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर आने वाली सप्लाई को चेक कर लेंगे। आप टेस्टर चेक कर सकते हैं, स्विच बोर्ड के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। बल्ब जलता है तो सही है, नहीं जलता है तो क्या है, ये खराब है, इसको आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो आप जानकार हो तो इसको आप भी चेंज कर सकते हैं, अथवा पीस भी बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, आप उनसे चेंज करवा सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं चेंज करना, सोल्डर चला लेना चाहिए, गर्म करके आप निकाल को आप इसको सोल्डर पे सेट करते हैं, जो कि फायर मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट फॉल्ट देखिए। नेक्स्ट फॉल्ट क्या आपका है कि जो आपका स्विंग मोटर है वो कार्य नहीं कर। स्विंग मोटर काम क्या होता है, हवा को अप एंड डाउन, यानी कि स्विंग का मतलब तो झूला है ना, यानी कि झूले के जैसे हवा को लहराना। हवा क्या करता है, कभी इस तरीके से करता है, फिर इस तरीके से, यानी कि हवा को लहराने का करता है, तो वो होता है स्विंग मोटर। यदि मोटर खराब हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे सीधा आपको बदलना पड़ेगा, उसकी कोई बना उसको बनाया नहीं जाता, ठीक है। और मोटर ये सब जल जाता है जब काफी देर तक वो चलता है, तो ऐसे 2-4-5 साल बाद हो सकता है वो जल जाए, तब उसे चेंज करेंगे, ठीक ना। बाकी चेंज करने से पहले एक बार उसे कनेक्टर में आ रही सप्लाई को चेक कर लेंगे। उसमें डीसी सप्लाई आती है, उसके लिए आपको डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। वहाँ पे हर एक 5 इसमें लगा लेते हैं ना स्विंग के लिए, इनके पास जितना बोल्ट आउटपुट होता है बोल्ट लिखा होता है साइड में पीसीबी पे, ठीक है, उसके डिस्प्ले बोर्ड पे। तो आप इनके यहाँ आने वाले बोल्ट को चेक कर लेंगे। बोल्ट चेक करने के लिए न्यूट्रल बॉडी में आप किसी पिन पे लगा देंगे, न्यूट्रल के लिए एक मतलब उसके आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसका न्यूट्रल में, और यहाँ पर आप लगा ला के पानी वाला चेक कर लेंगे कितने पे कितना बता रहा है, ठीक है। सिर्फ जितना यहाँ रेंज लिखा होगा उतना इसमें आउटपुट होना चाहिए सभी पिनों पे। यदि कर रहा है तो ये कनेक्टर सही है, और नहीं कर रहा है तो पहले इधर की सप्लाई को ही हम चेक करेंगे। डिस्प्ले बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, जो उसका वायर है वो उस तक खराब हो गया हो, कनेक्टर में सप्लाई पूरी यहाँ से आ नहीं पा रही हो, तो वायर को आप चेक कर लेंगे, ठीक ना। यदि ये सही है तो स्विंग मोटर को आप चेक करेंगे। अब स्विंग मोटर चेक करने के लिए नॉर्मल सा है, इसको आप किसी और पीसी में लगा सकते हैं आपके पास है, नहीं तो अगर ये यहाँ पे सही है नहीं है स्विंग मोटर खराब है, उसको आप क्या कर सीधा, क्योंकि उसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता, डीसी से होता है ना, जो डायरेक्ट स्टार्ट आप कर सकते नहीं है। उसको एक ही उपाय है, एक नई पीस भी आपके पास होगी उसमें सप्लाई देकर और उसमें उसको खर्च कर आप चेक कर सकते हैं चलाकर, ठीक ना। हो सकता है अगर इसकी स्विंग खराबी हो तो उसमें चलेगा ना, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैकेनिक पास एक्स्ट्रा पीस भी होता ही होता है, तो आप नॉर्मली ये चीजें कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम आती है क्या आपकी, जैसे कि जो पाइपें आई होती हैं इंडोर और आउटडोर, यानी कि जो पाइप कनेक्शन ये जाती हैं उनमें दो पाइपें होती हैं, एक सक्शन और एक डिस्चार्ज, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि उस पर पानी ज़्यादा बन रहा है, और पानी कब बनता है, जब पाइपें मतलब खाली खुली हुई हो, यानी कि उनको कवर किया जाए, इंसुलेटेड पदार्थ से कवर किया होता है। यदि कवर नहीं किया गया हो तो पानी बनता है, ये कोई मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या, हमने पहले बता रखा हूँ कि जो आपका आउटडोर होता है उसके अंदर एक कैपिलरी लाइन होती है, और यहाँ से गैस जो है ठंडी होके जाती है, कहाँ पर, कूलिंग कॉइल में ना, तो जब यहाँ से गैस ठंडी होती हो जाएगी तो पाइप भी ठंडी होगी, और जब पाइप ठंडी होगी और जब उस पर बाहर की धूप पड़ेगी, यानी कि बाहर की धूप में क्या होगा आपका जल की मात्रा होती है, जब इस पर चिपकेगी इस ठंडी पाइप पे तो जो हवा है वो क्या किसका रूप लेगी, पानी का, तो यहाँ पानी बनना एक नॉर्मल सी बात है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से कवर करिए बस, और कोई उपाय नहीं होता। अगर ऐसा कस्टमर शिकायत में आ रहा है कि यहाँ पानी काफी बन रहा है इधर, तब इसको क्या करिए अच्छे से कवर करिए। कभी कभी यहाँ पर जो आपकी जो लाइनें निकली होती हैं ये दो वाली, यानी कि ये स्प्लिट एसिस लाइन निकली होती ना है, एक सक्शन और एक डिस्चार्ज के लिए, तो यहाँ भी पानी बनता है। कुछ लोग करते क्या है, कवर अच्छे से नहीं करते, काफी इतना दूर दूर तक ऐसे खाली छोड़ देते हैं, है ना, यहीं तक यहाँ से प्लास्टिक लगाना स्टार्ट करते हैं जो इंसुलेटेड पदार्थ होता है। तो आप यहाँ से बिल्कुल लास्टली से लगाइए, थोड़ा सा बस जगह छोड़िए, ठीक ना। ज्यादा छोड़ेंगे तो पानी यहाँ पे ज्यादा बनेगा, और यहाँ पे कार्बन पकड़ लेगा, कुछ दिन बाद यहाँ से गैस लीक कर जाएगा, ठीक ना। या तो जब जंग लग जाएगी अब वापस आपको एलएनजी का यूज करना पड़ेगा, यानी गैस को डालने के लिए खोलना इसको बंद करना पड़ेगा, तो कार्बन पकड़ लेगा, खुलेगा और बंद नहीं होगा। इसके लिए याद रखें आप इसको अच्छे से अंदर तक इस पे इंसुलेटर पर आपको चढ़ाएं। बहुत सारे मिस्त्री ऐसे होते हैं जो खाली छोड़ देते हैं काफी दूर तक, ठीक ना। तो एक्स्ट्रा पाइप मोड़ के उसमें रखे रहिए,
जब इसको कस लीजिए तो उसको आप इस ढकेल दीजिए, ब्लॉक हो जाएगा अच्छे से, ठीक ना, ताकि इस पे पानी ना बने और ये आपका जल ना लगे। तो इसको ध्यान देखो, ऐसे ही आपकी होती है कापर की तो लगता नहीं है, लेकिन अगर बार बार पानी बनेगा तो ऐसा हो सकता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान देखिए, पानी में जो समस्या है नॉर्मल समस्या है, ठीक ना, पाइप के नंगे होने का ऐसा होता है। और प्रॉब्लम आती है आपकी यानी कि डिस्प्ले बोर्ड प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम आती है आपकी डिस्प्ले बोर्ड में? प्रॉब्लम आती है कि जो हम सेटिंग करते हैं यानी कि जब एसी को चालू करते हैं तो जो आपका डिस्प्ले बोर्ड है उसमें सबसे पहले आपका 00 करके ऐसा सिंबल आता है ना, ये आता है और कुछ देर बाद जो होता है ये गायब हो जाता है, केवल ऐसे लाइनिंग आ जाती है, इस तरीके से आ जाता है, ठीक ना। बिल्कुल, एक लाइनिंग बन के आ जाती है और कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे जब प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें जो सप्लाई आ रही है वो पर्याप्त नहीं आ रही है, ठीक ना। प्रॉब्लम क्या होता है, सप्लाई पर्याप्त नहीं आ पाने की वजह से ऐसा करता है और ये ब्लिंक कर लेता है, बिल्कुल जैसे लगता है कि हल्का हल्का सा अप एंड डाउन होने लगता है। उस स्टेज में ऐसा होता कब है कि जब आपको पर्याप्त लाइट नहीं मिलती, हो सकता है इसका ट्रांसफार्मर खराब हो, डीसी जो आपको सप्लाई बनाकर दे रहा है, अथवा जो इसके कनेक्टर वायर हैं 10 जो लगाए जाते हैं यानी कि आपका वो खराब हो सकता है, ठीक ना। अगर ऐसा होगा तो आपका स्विंग मोटर चलेगा नहीं, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पर्याप्त सप्लाई नहीं मिलेगी इसको तो डीसी नहीं मिलेगा स्विंग मोटर को और चलने वाला नहीं है, ठीक ना। और पर्याप्त डीसी नहीं मिलेगा इसको तो आपका कंप्रेसर भी ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑन कब होता है जब हमारा ब्लोअर चलता है और ब्लोअर चलने के बाद इसी में लगा होता है ना आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट आपको उसकी सेटिंग को बताता है, लेकिन जितनी भी कूलिंग हो ये कमरे का एक रेंज बता भेजता है, तब जाके जो रिले होता है सप्लाई को चिपकाता है और जाके वहाँ पर आपके आउटडोर में सप्लाई जाता है, तब जाके कंप्रेसर चलता है। ऐसा होने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है, मैं बता रखा हूँ, यानी कि रिले की जो पॉइंट है 4 से 5 मिनट में आपस में चिपकती है। इस बात का ध्यान देंगे, अगर आपके डिस्प्ले बोर्ड में सप्लाई सही से नहीं आएगी और थर्मोस्टेट जब सही से काम करेगा ही नहीं तो ये आदेश देगा ही नहीं रिले को चालू करने के लिए और आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, ठीक ना। इस स्थिति में केवल ब्लोअर आपका चलेगा और ब्लोअर चलता ही रहेगा, कंप्रेसर ऑन नहीं हो सकता है। तो आपका दो प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्प्ले वायर सही करिए और अपना बोर्ड चेक कर लीजिए कि आपका जो आउटपुट कर रहा है लगा हुआ ट्रांसफार्मर वो बराबर आउटपुट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आउटपुट करता है, इस बात को देख लेंगे कि आउटपुट कर रहा है कि नहीं। चेक करने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर लें और उसको सेट करें 12 वोल्ट डीसी पे और चेक करें कितना बता रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से बस नॉर्मल सा आप उसको सही कर सकते हैं। आप नए हैं,